Hello guys, welcome back to Precademy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy. तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट सिक्स वीडियो. तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का क्लासेस तमाम चल रहा है और आज हम कवर करेंगे पार्ट सिक्स वीडियो. मतलब हमारा टॉपिक रहने वाला मैनेजर्स कमीशंस. मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर कमीशंस रिलेटेड आज टॉपिक रहेगा. मैनेजर कमीशंस और पार्टनर्स कमीशन ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखता है. तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चंस भी करेंगे और चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए मेरे प्यारे 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 दोस्तों, फटाफट हमारे इस वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर्स कर दे और सब्सक्राइब कर दे. और हमारा ये क्लास जो है प्रकैडमी पर चल रहा है, प्रकैडमी पर अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रहा है. जल्द से जल्द बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे. तो क्लास 12 के क्लासेस है, सेशंस जो हमारा चल रहा है 22-23 का. ऑल बोर्ड मतलब यहाँ पर तमाम सारे ICSE, CBSE, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तमाम सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं. टॉपिक कवर कर रहे हैं मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन कैसे निकाला जाता है. दो मैथड्स है, दोनों मैथड्स को आप फॉलो करो. आपको फटाक से दो मैथड्स को आप फॉलो करो. इसमें मैनेजर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और आपको जो क्वेश्चंस में कमीशंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, बिफोर कमीशंस. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिफोर कमीशंस. और एक होता है आफ्टर कमीशंस. मतलब एक होता है प्रॉफिट से पहले कमीशन देना, एक होता है प्रॉफिट के बाद कमीशन देना. तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट है 22,000. एग्जाम्पल ले लिए, नेट प्रॉफिट है 22,000 और रेट है हमारा कमीशन का 10% कमीशन रेट है. तो नेट प्रॉफिट कितना है 22,000, कमीशन रेट कितना है 10%. तो क्या करोगे आप बिफोर कमीशन में, याद रखना सिर्फ बिफोर कमीशन में. बिफोर कमीशन में क्या करना है, सीधा सीधा करना है 22,000 जो है, ठीक है, उसको ले लेना है इनटू उसका 10% निकाल देना है. क्या करना है, सिर्फ 10% निकाल देना है. कितना आ जाएगा, ₹2,200 आपका मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा, पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा. ये एक्चुअली पार्टनर्स कमीशन रिलेटेड बातें हैं, पार्टनर कमीशन आपका आ जाएगा. तो बिफोर वाला केस में सीधा सीधा रेट लगा देना होता है, आफ्टर कमीशन में थोड़ा सा चेंजिंग होता है. आफ्टर कमीशन में क्या चेंजिंग है सर, आफ्टर कमीशन में मान लीजिए नेट प्रॉफिट वही लिए फिगर 22,000 है, रेट ऑफ कमीशन 10% है. तो आफ्टर कमीशन रहेगा, देखो आफ्टर कमीशन जब रहेगा, इसे के लिए बोल रहे, इस पर फोकस करो, ध्यान से समझो. बिफोर कमीशन था तो उसमें सीधा सीधा 10% ले लिए, जब आफ्टर कमीशन रहेगा तो याद रखना नेट प्रॉफिट 22,000 और रेट 10% है, उसको कैसे लेंगे, तो 22,000 ले लेना आप क्या, नेट प्रॉफिट इनटू 10% 10 है 10, लेकिन 10 के नीचे 110 लेना. 110 का मतलब क्या हो गया, 22,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, 22,000 10% रेट था, 10 के नीचे आफ्टर कमीशन है, तो आफ्टर कमीशन में 100 जो 10/100 होता है प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगा 22,000 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका रो हो जाएगा 2,000 पार्टनर्स कमीशंस. अच्छा सर ये ऐसा करते क्यों, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसमें मैनेजर्स का कमीशंस इंक्लूडेड होता है. तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशंस, प्रॉफिट चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब ये 22,000 वो प्रॉफिट है, ये 22,000 वो प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर्स कमीशन इंक्लूडेड है. क्या है, मैनेजर्स कमीशन इंक्लूडेड है, मतलब पार्टनर्स कमीशन इंक्लूडेड है, पार्टनर्स कमीशन इसमें इंक्लूडेड है. कहने का ये मतलब है पार्टनर्स कमीशन क्या है, पार्टनर्स कमीशन क्या है इंक्लूडेड है. इसे के लिए प्योर पार्टनर कमीशन निकालने के लिए, प्योर पार्टनर कमीशन निकालने के लिए 10/110 हम लोग करते हैं, जिससे वो 10% जो कमीशन ऐड है प्रॉफिट में, वो जो 10% कमीशन पार्टनर्स का जो ऐड है वो साइड हट के आ जाता है और कैलकुलेट हो जाता है. लेकिन यही प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो 22,000 है वो प्योर प्रॉफिट है, इसमें कोई मैनेजर कमीशन नहीं है. इसे के लिए हम लोग 10% नॉर्मल निकाल लेते हैं और 2,200 जो आया ये प्योर पार्टनर कमीशन हो गया, इसमें पार्टनर्स के कमीशन चल जाते हैं. लेकिन ये जो सेकेंड वाला है इसमें कमीशन ऐड रहता है प्रॉफिट में, उस यहाँ पर प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट है, इसमें मैनेजर का कमीशन क्या ऐड है. इस चीजों को सेपरेट करके प्योर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 कर देते हैं. बात समझ में आ गया, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे. तो फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर देखो फिगर समझ लो, बिफोर कमीशन रहेगा तो क्या करोगे आप,
नेट प्रॉफिट इनटू रेट अगर 10% है तो 10/100, ध्यान से समझ लो। बिफोर कमीशन रहेगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अगर 10% दिया हुआ कमीशन का तो 10/100, यही आफ्टर कमीशन रहेगा तो आफ्टर कमीशन में क्या करोगे, नेट प्रॉफिट इनटू अगर रेट 10% है तो 10/100 और रेट कितना है 10, मतलब नेट प्रॉफिट इनटू 10/110, ये आपका क्या हो जाएगा आफ्टर कमीशंस का। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, ये क्वेश्चंस है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्वेश्चंस को समझिए क्योंकि क्वेश्चंस जरूरी है। मैनेजर्स कमीशन है, इसमें मैनेजर्स कमीशन के बातें की है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग पार्टनर्स कमीशंस पर भी फोकस करेंगे। तो ए बी क्या है, ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ए के पास जो कैपिटल है वो 5 लाख का है, बी के पास जो कैपिटल है वो 3 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पर है, बी इज अलाउड टू एनुअल सैलरी 60,000, बी को सैलरी कितना मिल रहा है 60,000 मिल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 1920, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट 1,80,000, ये स्टेटमेंट पकड़ो, ये स्टेटमेंट पकड़ने वाली बात है, ये स्टेटमेंट क्या पकड़ने वाली है सर, ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट है, मतलब ये जो 1,80,000 है ये आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट है, बट के बाद गेम चेंज हो रहा है, फिर से सुनो, द प्रॉफिट प्रायर टू, द प्रायर टू मतलब पहले से होता है, तो द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब यहां पर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का है, क्या है, पहले का है, लेकिन गेम चेंज हो गया बट के बाद, बट के बाद क्या कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी मतलब बी का सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है 1,80,000, मतलब ये 1,80,000 में बी का सैलरी इंक्लूडेड है, अब बी को सैलरी कितना मिल रहा है 60,000, तो अगर हमको प्योर प्रॉफिट निकालना होगा, प्योर प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1,80,000 में हम क्या करेंगे 60,000 को ऐड कर देंगे, तब जाकर के हमारा प्योर प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्योर प्रॉफिट आ जाएगा, प्योर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये 1,80,000 इसमें बी का सैलरी इंक्लूडेड है, मतलब पहले मेरा सिंपल सा बात समझो ना, मान लो मेरा प्रॉफिट 2,40,000 हुआ होगा, अब बी को सैलरी 60,000 देना है, तो इसमें 60,000 हम क्या कर दियोगे, बी का सैलरी हटा दियोगे, तब ना हमारा प्रॉफिट 1,80,000 आ रहा है, इसी को 1,80,000 से 2,40,000 जाने के लिए हमें 60,000 क्या करना होगा, ऐड करना होगा प्योर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सबसे पहले बताना होगा, निकालना होगा, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, तो सबसे पहले स्टेप में, सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो बी का सैलरी है वो बी का सैलरी यहाँ पर ऐड कर दिया गया 1,80,000 में, प्योर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 1,80,000 प्लस 60,000 कर दिया 2,40,000, टोटल 2,40,000। मैनेजर का कमीशंस के बारे में कुछ कहा गया है, आगे कहा गया है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, 5% मैनेजर को कमीशन मिलेगा, तो मैनेजर को कमीशन कितना पे मिलेगा, नेट प्रॉफिट पर मिलता है, तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका 2,40,000, 5% मिल गया 12,000, तो टोटल कितना है 2,40,000, टोटल आपका 2,40,000 और मैनेजर का कमीशन कितना चल गया 12,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना मिल गया, बच गया 2,28,000, 2,28,000 क्या है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अब आपको नेट प्रॉफिट दिखने वाला हो कितना दिखेगा 2,28,000, तो देखिए 2,28,000 आपको दिख गया यहाँ पर, ये ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे लिख दीजिए, बी का सैलरी कितना है 60,000, फॉर्मेट बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट, ये तो प्रेजेंटेशन आपको पता ही, पर्टिकुलर अमाउंट, बी का सैलरी 60,000 हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का था क्वेश्चन में,
6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का था। तो हमारे पास कैपिटल 5 लाख था ए के पास, 3 लाख था बी के पास। तो 5 लाख 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6% हो जाएगा 30,000, 18,000 टोटल आ जाएगा यहाँ पर 48,000 टोटल। 2,28,000 यहाँ भी 2,28,000 में से 60,000 40,000 हम लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,20,000 और 1,20,000 को हम 3:2 में बांट देंगे तो 72,000 ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। 3:2 है ना, हाँ 3:2 है, ए का कैपिटल बी का कैपिटल। अब ये प्रॉफिट है, ये कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट थर्ड में क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट ऑफ ए अमाउंट ऑफ बी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स ऑफ ए एंड अमाउंट्स ऑफ बी। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर डाल देंगे 2019, 1 अप्रैल में पैसा आया है कैपिटल लिखेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा, बाय बैलेंस ए का था 5 लाख, बी का था 3 लाख, फिर एडिशनल कैपिटल कुछ आया नहीं है। 2020 में क्या हुआ है, 31 मार्च का 3 ट्रांजेक्शन, एक तो सैलरी बी को मिला है तो 60,000 बी को, सैलरी ए को नहीं मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 ए का है, बी का है 18,000। प्रॉफिट लॉस, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ये 72,000 48,000 ये ट्रांसफर होकर यहाँ आया है 72,000 48,000। अब क्रेडिट में ज़्यादा होता है तो टोटल कर लीजिए 4,26,000 बी का है, 6,02,000 ए का है, यही सेम टोटल यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर आपके डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, इससे के लिए बैलेंसिंग फिगर हमको यहाँ पर दिख गया, तो बैलेंसिंग फिगर में वही सेम नोट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स डेबिट साइड में नहीं है। तो टू बैलेंस सीडी आपका यहाँ पर आ गया, कब आया, 31 मार्च 2020, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। तो आपका पहला में क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, दूसरा में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया और थर्ड में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। प्रेजेंटेशन इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से साफ साफ प्रेजेंटेशन आपको प्ले करना है और आपको बनेगा। चलिए पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका पार्टनर्स कमीशन से है, इसमें आफ्टर और बिफोर प्रॉफिट वाला बात है। तो याद है आपको बिफोर में सीधा सीधा 10/100 करना है और आफ्टर वाला क्या करना है, 10/110। अब ये रट मत लेना कि 10/100 ही होगा और 10/110 होगा, ये रटना नहीं है। आफ्टर वाला मैंने क्या कहा, 10% होगा तो 10/110, अब बिफोर वाला हुआ तो 10/100। अगर यही 5 रहेगा तो क्या करेंगे, बिफोर वाला में सॉरी आफ्टर बिफोर वाला में क्या करेंगे 5/100, यही बिफोर ये सॉरी बिफोर वाला हम क्या करेंगे 500, आफ्टर वाला हम क्या करेंगे 5/105, यही करेंगे। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज एंटाइटेड टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ, ए को मिलेगा 15,000 पर मंथ। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहां पर आफ्टर केस बिफोर केस, अगर 10% है तो यहां करेंगे 10/110, बिफोर केस 10/100, अगर 5% रेट है तो आफ्टर वाला हम क्या करेंगे 5/105, बिफोर केस है 5/100। तो रेट क्या रहता है क्वेश्चंस में, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है 15,000 × 12 कर देंगे तो ये एनुअली आ जाएगा एंड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट बिफोर वाला है। तो ए को एंड ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट ऑफ एनी बी इज एंटाइटेड टू कमीशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर ए स्मॉल में लिखा हुआ है, ए को बड़ा कर दो भाई, ए स्मॉल से लिखा हुआ है। यहाँ पर ए के बारे में कह रहा है कि ए को 10% कमीशन बिफोर वाला चाहिए और बी को 10% कमीशन आफ्टर वाला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन रेट 10% है लेकिन ए को चाहिए बिफोर वाला, बी को चाहिए आफ्टर वाला। भैया नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000, कोई दिक्कत नहीं है, 4,40,000 यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 4,40,000 आया। चलिए ए का सैलरी कितना था, तो यहाँ पर करेंगे 15,000 × 12, तो 1,80,000 हो जाएगा। ए का कमीशन कितना बन रहा था, तो ए का कमीशन बन रहा था आपका नेट प्रॉफिट है 4,40,000 और ये कौन केस है, बिफोर केस है, तो बिफोर केस में क्या हो गया 4,40,000 × 10/100 तो 44,000 हो गया। बी को चाहिए था कमीशन आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाला केस में हम लोग क्या करते थे, 4,40,000 नेट प्रॉफिट × 10/110, तो यह 40,000 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ नहीं है ट्रांजेक्शन, तो टोटल में कर दिए 4,40,000, इधर भी टोटल कर दिए 4,40,000, और 4,40,000 में 1,80,000 लेस कर दिए, 14,000 लेस कर दिए, 40,000 लेस कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस बचा 1,76,000। 1,76,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे भैया? जब कोई रेशियो नहीं दिया रहे, जब नो एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहे, जब आपको नो एनी पीएसआर, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहे, तो आपको मैंने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था बताओ जल्दी से, पार्टनरशिप डीड में पढ़ाया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहे या एब्सेंस रहे तो क्या करना है आपको, इक्वली बांटना है। क्या करना है? इक्वली बांटना है। तो देखो इसको इक्वली बांट दिए, तो ए को मिल गया 88,000, बी को मिल गया 88,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं, ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ए ने पूंजी लगाया 5,00,000, बी ने लगाया 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017, इस पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, ए इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशंस, बी इज एंटाइटल्ड टू 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर, मतलब ए को भी आफ्टर कमीशन मिलना है, बी को भी आफ्टर कमीशन मिलना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाते हुए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है प्रॉफिट में ऐड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है प्रॉफिट में ऐड हो, इसीलिए उसको हटाते हुए आपको कमीशन चार्ज करना है, उसको हटाते हुए आपको कमीशन चार्ज करना है, ठीक है? तो डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, अच्छा, यहाँ पर बिफोर केस आ गया, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब ए का कहने का मतलब है कि ए 10% कमीशन लेगा, वो कमीशन क्या कितना होना चाहिए, तो वो कमीशन होना चाहिए प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करके, तो ए को मिलेगा 10% कमीशन, बिफोर वाला केस होगा जिसमें जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में 10% बिफोर वाला केस लगा करके कमीशन निकालिएगा, तो वो हो जाएगा किसका, ए का काम हो जाएगा। बी का क्या काम होगा, ए बी को चाहिए 8% कमीशन, कितना 8% कमीशन चाहिए ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें भी क्या करेंगे, बी का जो आप कमीशन निकालिएगा ना, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट का क्या काम करना है, नेट प्रॉफिट में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, तो उस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्योर बचेगा आपका प्रॉफिट उसका हम 8% ले लेना है, लेकिन 8% में बिफोर केस लगाए कि आफ्टर केस, तो क्वेश्चन आगे पढ़िए, इसमें आफ्टर केस लगेगा, तो मतलब बी वाला को, जैसे ए वाले को, ए वाला 10% कमीशन चार्ज करेगा बिफोर केस में, और बी 10% कमीशन चार्ज करेगा आफ्टर केस में, बस इतना करना है कि ए का जो कमीशन आप निकालोगे उस नेट प्रॉफिट में, आप उस नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, और बी का भी जब कमीशन आप निकालोगे उस नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट कितना है 3,75,000 है, 3,75,000 में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो फिगर बैठेगा इस पर हम लोग कमीशन चार्ज करेंगे, ठीक है? तो चलिए प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर आपको जर्नल एंट्री करना है, मतलब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है, तो याद रखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाना है, लेकिन बिना लेजर बनाए हुए जर्नल एंट्रीज आपके सॉरी यहाँ पर बिना लेजर बनाए हुए जर्नल एंट्रीज आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए वर्किंग नोट में आपको लेजर बनाना होगा, तो आप कॉपी जैसे ही प्लेस करोगे, जैसे कॉपी आप खोलोगे, जैसे कॉपी जैसे ही आपका रहेगा वही बताने का सिद्धांत है, तो इस कॉपी में आप जर्नल के लिए पेज छोड़ दो और यहाँ पर लेजर बना लो, लेकिन क्वेश्चन में लेजर बनाना नहीं कह रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं कह रहा है, तो नहीं कह रहा है तो आप क्या करो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लेजर बनाओगे इसको आप वर्किंग नोट में डाल दो, इसको क्या डाल दो, वर्किंग नोट में, और आपको सिर्फ बनाने क्या कर रहा है जर्नल्स, तो फर्स्ट पेज में आप जर्नल्स का पेज छोड़ करके रख दो, जैसे ही आप लेजर्स बना लोगे सिर्फ इसको पेस्ट करना होगा जर्नल में, तो इसका वर्किंग नोट का भी काम हो जाएगा और आपका जर्नल भी बन जाएगा। चलिए पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, देखिए वर्किंग नोट में आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
वर्किंग वर्किंग नोट में क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपका प्रॉफिट 3,75,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 आ रहा है, जिसमें ए का है 50,000, बी का है 25,000। सर ये कहाँ से आया, उसके लिए कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पर दिया हुआ है 10%, तो 5,00,000 का 10% 50,000, 2,50,000 का 10% 25,000, 50 + 25 = 75। अब समझ में आ गया कहाँ से आ गया है, 75 हो गया। अब वही जो कमीशन जो ए और बी का निकलेगा, जैसे हम कैलकुलेट करके आपको बता दे रहे हैं, ए का कमीशन जो निकलेगा इसमें पहले तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 3,75,000 जो प्रॉफिट है, इसमें 3,75,000 प्रॉफिट में इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दीजिए 75,000, तो कितना हो जाएगा 3,00,000, कितना हो जाएगा 3,00,000। ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं ये कैसे आया 3,00,000। अब ए का कमीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए का कमीशन निकालने के लिए क्या करोगे, नेट प्रॉफिट। अब इसमें ए में कौन सा केस था, बिफोर केस था, ए में कौन सा केस था, बिफोर केस था, तो नेट प्रॉफिट बिफोर केस में कितना होता है 10% है ना, 10/100, मतलब नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया 3,00,000, तो 3,00,000 इंटू 10/100 30,000 आपका आएगा ए का कमीशन, 30,000 ए का कमीशन आ गया। अब बी वाले में भी क्या करना है, तो सबसे पहले बी वाले में 3,75,000 माइनस 75,000 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3,00,000। अब बी कमीशंस निकालने के लिए क्या करना होगा, बी कमीशन निकालने के लिए क्या होगा, इसमें है आफ्टर केस, तो आफ्टर केस में क्या कीजिएगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10/110, नेट प्रॉफिट इंटू 10/110, तो इसमें क्या करना है, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है 3,00,000 डिवाइडेड बाई 10 × 110 कितना आ जाएगा 20,000, ये 20,000 आपका यहाँ आ गया, दोनों टोटल करेंगे 50,000, 3,75,000 3,75,000 यहाँ टोटल आ गया, 3,75,000 यहाँ टोटल आ गया, 3,75,000 में से 75,000 50,000 75,000 और 50,000 लेस कर देंगे, तो 2,50,000 आ जाएगा। 2,50,000 को हम लोग ए और बी में बांटेंगे 3:2 रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही दिया हुआ है, 3:2 ही दिया हुआ है, इस रेशियो में हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे और बांट देंगे। जैसे ही आपका लेजर बन जाएगा, ये क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह का लेजर है, ये लेजर जैसे ही बन जाएगा वर्किंग नोट में बनाएंगे। क्यों वर्किंग नोट में बनाएं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रहा था, इसके लिए इसमें हम बनाएं लेजर के रूप में बनाएं। अब इसको कुछ नहीं करना, आराम से इस लेजर को जर्नल में आपको कर देना है पेस्ट, और जर्नल्स में पेस्ट करने के लिए आपको हमने पार्ट 5 में भी वीडियो बता चुका हूँ, पार्ट 3 में भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे लेजर से जर्नल में पेस्ट करते हैं, तो कोई एंट्री इसमें छूटेगा नहीं, कोई भी एंट्री आपका दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देख लो जर्नल्स, जर्नल में आप देख लो, जर्नल में आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा एक बार देख लीजिए सब कोई। यहाँ पर फॉर्मेट प्ले कीजिएगा, फॉर्मेट अच्छे से बनाएगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेट 2018 31 मार्च, यहाँ पर 3,75,000 का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ पर क्लोज हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ पर कमीशन आया, फिर यहाँ पर कमीशन क्लोज हुआ, ओपन होगा क्लोज होगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बांटा गया वो बटा। चलिए तो ये क्वेश्चंस था मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन के बीच में, जो हमने आपके साथ शेयर किया, साझा किया और आपके साथ यहाँ पर डिस्कस भी किया। तो चलिए प्रकैडमी से मैं लेता हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशंस में मैं इसी तरह से आपके पास आऊँगा और नए कंटेंट्स और नए वीडियोज़ आपके साथ लेकर आएँगा। फिलहाल आप कुछ ना करें, हमारे इस वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर्स कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक्स में और कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट जरूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जा कर के प्रकैडमी क्लास 12th में जा कर के आप ऐड हो जाए, जहाँ पर एक हमारा ग्रुप बन गया है, जहाँ पर हम करेंगे अध्ययन आपके साथ, और तमाम जो आपके और भी सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो भी फटाफट आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपके साथ आ जाएगा, जैसे कि आपका बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स।
ठीक है, तो उसके भी वीडियोस फटाफट आएगा, तो आप फटाफट जुड़ जाए क्योंकि फुल फ्लेज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ के क्लासेस करेंगे और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज प्रणव का साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अकेडमी। टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर दें अकेडमी को।